उपाल यादव डिंपल यादव को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सर, नेताजी के जाने के बाद क्या लग रहा है कि कितना असर पड़ा है और जो डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं वो कितनी मतों से जो है वो जीतने की संभावना है, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं? डिंपल यादव यहाँ से लोकसभा मंत्री से चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ आपकी बात डिंपल की रिकॉर्ड टूट जीत होगी, सारे रिकॉर्ड आपकी टूट जाएंगे तो बड़ी जीत होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री भी आज आए थे, तो तमाम उन्होंने आरोप लगाया कि साहब कुछ काम नहीं किया, मैनपुरी जो है वो ऐसे ही रही, बिना विकास के रही। अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो वो विकास करना उसने शुरू किया है। अभी तक तो 8 साल में केंद्र में 8 साल से सरकार और 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा और जितने भी जिले हैं, कहीं पर भी एक काम हम मुझे बता दें, एक काम कहीं पर भी नहीं हुआ है। सड़कों का देख ही रहे हो, बुरा हाल है, बुरा हाल है। अभी तक इनके गड्ढे भर रहे हो, अभी तक 6 साल में गड्ढे नहीं भरे गए। नहरों में अभी हम देख के आए, आपने भी देखा और देख लेना जा कर के, अभी नहरों में पानी नहीं, बिजली से इतनी किसानों को परेशानी है, इतनी परेशानी है। छापे अब अलग और छापे के अलावा वसूली अलग है, FIR अलग है और ये कह रहे क्या उसे सुविधा दी, कोई सुविधा नहीं दी है, कोई सुविधा। PM और SP आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ पर, ये किस हिसाब से कह रहे हैं? और ये भी कई लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अखिलेश जी ने कहा कि कोटेदारों को डराया जा रहा है, CDO प्रधानों को फ़ोन कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? पूरी सच्चाई है कि ये देखिए, जितने भी मंत्री यहाँ आ रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बना रहे, झूठी रिपोर्टें 1717 1751 में लिखी जा रही हैं। जितने हमारे जो बूथ पर काम करते हैं, बूथ प्रभारी हैं, जो हमारा एजेंट बनेंगे, उन पर सब पर FIR हो रही है 1751 1716 की। यस, और यहाँ तक कि पुलिस, हम तो सूची बने हमारे पास है, अभी कल सूची जारी कर देंगे, जितने लोगों को धमकाया जा रहा है, हमारे जितने भी बूथ एजेंट बन रहे हैं, तो हम तो शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। आप चाचा भतीजे दोनों एक हो गए हैं, आज सिक्योरिटी कम कर दी गई है आपकी, Z की जगह Y कर दिया घटा के सरकार। तो यही अपेक्षा थी मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, यही अपेक्षा थी। और देखिए, हमारी तो सुरक्षा ये जनता करेगी, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, कोई मलाल नहीं सुरक्षा। और मलाल क्या, देखिए डिंपल की और बड़ी अब जीत हो जाएगी, इनकी और बड़ी हार होगी। आज़म खान साहब बहुत परेशान हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि जो है वो आप लोग हमारा साथ दें, और जो रामपुर में प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, उसको ऐसे ही घोषित जो है वो मान लिया जाए, चुनाव कराने की यहाँ क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पूरा का पूरा प्रशासन, जब जिला अधिकारी, SSP और पूरे अधिकारी अगर ऐसा काम करेंगे, मतलब पुलिस से लेकर के सब, जब किसी को बोर्ड नहीं डालने दिया जाएगा, जब बोर्ड नहीं डालने दिया जाएगा, उस पर जनता अगर आएगी तो उस पर लाठी चलाएगी, तो फिर इसलिए परेशानी तो है। ये सीधा सीधा जो लोकतंत्र को खतरा है, अब लोकतंत्र में अगर इस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी अगर प्रयोग करेंगे और चुनाव आयोग चुप बैठा रहेगा, तो फिर होगा क्या? फिर तो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है। एक आखिरी सवाल था और थोड़ा सा पर्सनल भी है, तो शिवपाल यादव थे, उन्होंने जो है वो साफ तौर पर अपनी तमाम बातें कहीं और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी जीत से, बड़ी जो है वो मतों से हारेगी और डिंपल यादव को एक बड़ी जीत हासिल होगी। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।